हे गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सनस्क्रीन्स जो मैंने अमेज़न से ख़रीदे हैं। अमेज़न पे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मुझे मिल गया था बिकॉज ऑफ द ग्रेट इंडियन सेल। तो उसकी वजह से मैंने इन सारे सनस्क्रीन्स को परचेज़ किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स से कि कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट रहेगा, कौन सा सनस्क्रीन मेन के लिए अच्छा है, कौन सा टीनेजर के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा विंटर के लिए और समर्स के लिए अच्छा है। तो इसी वजह से मैंने कुछ 3-4 अलग अलग ब्रांड्स के सनस्क्रीन को ट्राई आउट किया है, जिनको मैंने ऑलरेडी ट्राई आउट किया था बट वो खत्म हो चुका था। सो आई थॉट लेट मी रीपर्चेज दिस, क्योंकि बहुत अच्छा मुझे द ग्रेट इंडियन सेल में डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल गया सारे। तो सारे जो प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में, सबके परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, इंडिविजुअल लिंक्स भी प्रोवाइड किया है और एक माई हॉल स्टोर का लिंक भी प्रोवाइड किया है, जहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इन सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे जो सनस्क्रीन्स मैं शेयर करूंगी ना, सारे 500 रुपीज़ के नीचे है, ज़्यादातर सनस्क्रीन 300 रुपीज़ के नीचे है। ये जो पहला मैं शेयर करूंगी वो एक स्प्रे सनस्क्रीन है, ये वाओ स्किन साइंस का सनस्क्रीन स्प्रे है विद SPF है। इसका एक SPF 30 वेरिएंट भी आता है जो है ये वाला वेरिएंट। और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है ये SPF 30 वाला वाटर बेस्ड है। इसमें आप अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ये बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी में है और ये जो है ये क्रीम बेस्ड है। सो इफ़ योर स्किन इज ड्राई तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए लिखा तो है बट ऐसा है नहीं, ये एक्चुअली ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। ये वाटर बेस्ड है सो ऑयली स्किन, ड्राई स्किन पीपल कैन यूज दिस। एंड द बेस्ट पार्ट जो मुझे इसकी लगती है ना, कि आप अपने मेकअप अप्लाई करें और मेकअप के बाद एज अ सेटिंग स्प्रे आप इसे अगर स्प्रे करते हैं तो पूरा एकदम लॉक हो जाता है मेकअप और एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है आपको सनस्क्रीन का। सो आई थिंक ये अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसका एक ड्रॉबैक है विच इज़ कि ये SPF 30 का है। तो अगर आप ज़्यादा देर तक धूप में बाहर जाते हैं तो उसकी वजह से ये आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, वो भी काफ़ी ईजी है क्योंकि सिर्फ आपको इसे अपने होल फेस पर स्प्रे करना है। ये वाटर बेस्ड है, कोई कलर इसमें नहीं है बट ये क्रीम बेस्ड है। तो अगर आप इसे अपने होल फेस पर स्प्रे करते हैं तो व्हाइट कास्ट ये छोड़ेगा, बिल्कुल क्रीम निकलता है स्प्रे फॉर्म में। तो ये आपको बेयर फेस पर ही अप्लाई करना पड़ेगा, मेकअप के बाद एज अ सेटिंग स्प्रे आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। बट इसका जो एडवांटेज है वो है कि ये SPF 50 का प्रोटेक्शन देगा, तो आप एक बार घर पर अप्लाई करके निकल जाएंगे तो 3-4 घंटा तो ईजिली आराम से पूरा आप प्रोटेक्शन में रहेंगे। सो दोनों के खुद के एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है, बट मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ ये वाला, क्योंकि मैं ज़्यादातर अगर धूप में ज़्यादा टाइम के लिए रहती भी हूँ फिर भी मैं रीअप्लाई करती रहती हूँ और उससे इससे रीअप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट अगेन एक वाओ स्किन साइंस का सनस्क्रीन है, ये बहुत फेमस एक सनस्क्रीन है, ये है एंटी पोल्यूशन सनस्क्रीन। ये वाटर रेजिस्टेंट मतलब वाटर प्रूफ सनस्क्रीन है और इसमें आपको PM 2.5 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। इसमें कई सारे बेनिफिट्स है, जैसे ये SPF 40 का प्रोटेक्शन देता है और द बेस्ट पार्ट इज कि ये पोल्यूशन से स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आप मेट्रोपोलिटन सिटी में रहते हैं या फिर कई पोल्यूटेड जगह पर आपको विजिट करना होता है तो आप इस सनस्क्रीन को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। उस केस में ये वाले सनस्क्रीन्स काम नहीं आएंगे क्योंकि ये जेन्युइनली पोल्यूशन से प्रोटेक्शन देता है। बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी का है तो अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तो आपके लिए थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है, बट माय स्किन इज ड्राई तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट रहता है। ऑल्दो मैं काफ़ी कम क्वान्टिटी में इसे लेती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा हेवी फील होता है, बिल्कुल भी लाइट वेट नहीं है जैसा ये वाला है। इनफैक्ट ये भी काफ़ी लाइट वेट है, वाटरी कंसिस्टेंसी टाइप्स है बट ये काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी का है, बट डेफिनेटली ये आपको हाई प्रोटेक्शन देता है। अब ऑल राइट, सो जितने भी वाओ स्किन साइंस के सनस्क्रीन्स मैंने शेयर किए हैं ये सारे ही टीनेजर्स मेन वुमेन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं टीनेजर्स को हाईली रेकमेंड करूंगी क्योंकि इन सनस्क्रीन्स में किसी भी तरीके का हार्श हार्मफुल केमिकल्स नहीं है एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है अलग अलग अगर मैं सनस्क्रीन्स इस्तेमाल करूँ तो। कुछ सनस्क्रीन तो मुझे सूट भी नहीं करता, तो इसी वजह से सनस्क्रीन्स के मामले में मैं बहुत ज़्यादा चूजी हूँ। सो इन जो वाओ स्किन साइंस के सनस्क्रीन्स होते हैं उनको अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ तो कभी भी कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ है। तो आई थिंक टीनेजर्स कैन गो फॉर दिस, ऑयली एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी शायद अच्छा रहेगा बट स्टिल पैच टेस्ट इज रिकमेंडेड। और मेन के लिए मैं तो डेफिनेटली ये जो स्प्रे वाला फॉर्म है ना, ये स्प्रे फॉर्म अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाएगा।
नेक्स्ट जो सनस्क्रीन मैं शेयर करूंगी वो है ये डर्मा एसेंशिया का सनस्क्रीन जेल विद SPF 50। इसमें PA ट्रिपल प्लस का प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा। तो ये एक जेल बेस्ड है, तो अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है आपके लिए परफेक्ट रहेगा। नेवरदलेस आई थिंक ड्राई स्किन पीपल कैन ऑल्सो यूज दिस। एक बार आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करें उसके ऊपर आप इस सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पेस्टल येलो एंड ये जो टील ब्लू कलर है ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सनस्क्रीन को परचेज किया है। मैंने इसे पहले भी इस्तेमाल किया था। ये जो सनस्क्रीन है ना ये ज्यादा व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता, बट वाउ स्किन साइंस का ये जो एंटी पोल्यूशन सनस्क्रीन है ये भी व्हाइट कास्ट छोड़ता है, लेकिन कुछ देर बाद जब ये बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाता है ना तो एकदम स्किन के साथ ये अब्जॉर्ब हो जाता है और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। नेक्स्ट सनस्क्रीन में लैक्मी का ये वाला शेयर करूंगी, ये है लैक्मी सन एक्सपर्ट SPF 50 सनस्क्रीन। इसमें आपको PA ट्रिपल प्लस का प्रोटेक्शन देगा। ये अल्ट्रा मैट एक लोशन है, ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है देन जस्ट गो फॉर दिस वन। ये एक्सट्रीमली ऑयली स्किन पीपल के लिए बेस्ट रहता है। ऑल्दो इसमें आपको थोड़ा सा, जैसे आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का है, जेल बेस्ड नहीं है, बट ये बिल्कुल स्किन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। एज यू कैन सी इंस्टेंटली ये अब्जॉर्ब हो गया। सो आई थिंक अगर आपकी बहुत एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी शाइन या कुछ भी नहीं है, एकदम लाइट वेट है और नॉन स्टिकी नॉन ग्रीजीज का फॉर्मूला है। ये जो सनस्क्रीन है ना ये बहुत ज़्यादा थिक है, ग्रीजी है, थोड़ा सा स्टिकी भी है, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू दिस वन। नेक्स्ट जो सनस्क्रीन है वो मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है एंड मैं इस सनस्क्रीन को शायद 4-5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। दिस इज न्यूट्रीजेना सनस्क्रीन, और ये जो सनस्क्रीन है इसका एक बड़ा टब भी है हमारे घर पे, बड़ा ट्यूब। एक्चुअली कितने सारे ट्यूब्स हमने इस्तेमाल कर लिए हैं ऑलरेडी, और ये सबसे छोटा पैक है। ये आई थिंक 199 रुपीज का है और या ऐसा कुछ, ये 30 ml का आता है, बट ये काफ़ी दिनों तक चलता है। इसमें भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, लेकिन ऑयली स्किन के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ड्राई स्किन के लिए ये परफेक्ट रहेगा, लाइट वेट है, वाटरप्रूफ है एंड हाई प्रोटेक्शन आपको देगा, 50 प्लस का प्रोटेक्शन देता है। एंड सनस्क्रीन के मामले में न्यूट्रीजेना इज अ ब्रांड जो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड अमेजन पे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में ये वाला और इसका जो 88 ml का बड़ा ट्यूब है ना वो भी आपको मिल जाएगा। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। इनमें से अगर मैं टीनेजर्स को रेकमेंड करूंगी तो वो रहेगा ये लैक्मी वाला सनस्क्रीन और ये वाउ स्किन साइंस का स्प्रे वाटर बेस्ड SPF 30 का सनस्क्रीन। ये दो मैं टीनेजर्स को हाईली रेकमेंड करूंगी। मेन के लिए ऑब्वियसली दिस सनस्क्रीन विल बी गुड। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए ये वाला वेरियंट SPF 50 का अच्छा रहेगा। और ऑयली स्किन पीपल, ड्राई स्किन पीपल, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप ये काफ़ी हेल्प हुई है इस वीडियो से आपको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय।